हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे फ़ोन के ऊपर कि भाई ये जो फ़ोन कहते हैं कि भाई कनाडा में फ़ोन सस्ते मिलते हैं, कितने सस्ते मिलते हैं, तो आज ये सच में देखेंगे कितना फ़र्क है कनाडा और इंडिया के फ़ोन के रेट पे। क्योंकि फ़ोन ले लिया अपन ने आईफोन 13 प्रो, ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चल रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कितने का यहाँ पड़ा और मैंने इंडिया में इसका प्राइस देखा तो वहाँ कितने का पड़ा। मैंने यहाँ पर फ़ोन लिया, ठीक ठाक डील के साथ लिया, मुझे फ़ोन पड़ा 1400 का, ठीक है, मतलब 1400 कैनेडियन डॉलर्स प्लस टैक्स। अब टैक्स इसमें लगा लो, मैं ओंटेरियो में रहता हूँ तो यहाँ पे 13% टैक्स है, तो 183 के अराउंड टैक्स था, तो 1600 के अराउंड पड़ा। और अगर मैं INR में बात करूँ तो 95,000 का जो है ना अपने पास अराउंड जो है फ़ोन पड़ा, ठीक है, 128 GB वेरियंट है, ठीक है। अब मैंने सेम वेरियंट इंडिया में फ्लिपकार्ट का देखा तो वहाँ पर कितने का है, 1,20,000 का। तो उसके बाद मैंने एयरपोर्ट्स भी लिए, एयरपोर्ट्स जो मुझे पड़े वो पड़े आपके 15,000 के, इंडिया के हिसाब से 15,000 के पड़े। और यहाँ पे जो मतलब इंडिया में जो उसका प्राइस है, मैंने एयरपोर्ट जनरेशन 3 लिए हैं, तो इंडिया में उसका फ्लिपकार्ट का प्राइस है आपका 18,000 के आसपास। तो ये सीन है, 3,000 का गैप आया छोटे प्रोडक्ट में। और आप बड़ा प्रोडक्ट देखोगे तो जैसे आईफोन, ये वाला फ़ोन हो गया मेरा, तो इसमें गैप आया लगभग 20,000 अराउंड का। तो ये है, इतना भी ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा गैप है। और डिपेंड करता है अगर आप किसी वैसे प्रोविंस में हो जिसमें टैक्स कम है, सपोज़ आप कैलगरी में वगैरह में चले जाओ तो वहाँ 5% टैक्स है, अब यहाँ पे 13% टैक्स है, तो 1400 पे 13% लगाए तो काफ़ी अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। तो बात ये है, यहाँ पे मेन डिफरेंस एग्जैक्ट प्राइस का नहीं, यहाँ पे कुछ और ही है। क्योंकि जो लोग कहते थे भाई यहाँ पे कनाडा US में फ़ोन बड़े सस्ते हैं सस्ते हैं, तो मैंने असल में जब उसको एग्जामिन किया देखा तो मैंने देखा पे रेट का बड़ा डिफरेंस है भाई। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कनाडा में बंदा अगर फुल टाइम में काम कर रहा है और मिनिमम उसको 40 घंटे मिलते हैं हफ्ते में एटलीस्ट काम करने के लिए, बंदे काम करने के लिए तो यहाँ पे बहुत ही काम करते हैं, पर एटलीस्ट अगर वो 40 घंटे और मिनिमम पे रेट पे भी काम करता है ना, और तो उसके महीने के 1,25,000 रुपये कहीं नहीं गए, ठीक है। और फ़ोन कितने का बैठा अपना, 95,000, 1,00,000। इंडिया में क्या है, अपना उधर क्या है, पे रेट बड़ा कम है, मतलब 40-50,000 भी बंदा कमाता है महीने का तब भी काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो देखो ये क्या हुआ, एक डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ है ना, कि भाई वहाँ पे रेट कम है, फ़ोन महंगा करके दे रहे हैं, मतलब वहाँ फ़ोन महंगा है, यहाँ पे रेट ज़्यादा है, फ़ोन और सस्ता है, तो ये वाला सीन है। मेन पे रेट का डिफरेंस है और एग्जैक्टली यार प्राइस में भी डिफरेंस है। चलो वो तो खैर इम्पोर्ट होते हैं चीज़ें तो उसका प्राइस, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है, जो भी हो, बट हाँ भाई प्राइस है तो कम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम नहीं है, डिफरेंसेस काफ़ी हैं। तो फ़ोन लेना हो तो यहीं आके ले लेना और काफ़ी बेटर डील्स भी मिल जाएंगी। अब ऐसे नहीं, यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, ठीक है। अब जैसे गाड़ियाँ हैं वो उनका भी रेट थोड़ा कम है, ठीक है, अच्छी गाड़ियाँ काफ़ी, मतलब कंपेरेटिवली ब्रांडेड कपड़े वगैरह जो हैं वो आपको कंपेरेटिवली सस्ते मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। बट जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके फिर रेट उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। अब जैसे अकोमोडेशन है भाई, 25-26,000 रुपये मैं दे रहा हूँ अपने रहने के, और लोग भी रह रहे हैं, मतलब अकोमोडेशन काफ़ी महंगा है, खाना पीना काफ़ी महंगा है, एंड बाकी चीज़ें भी जो है ना यार, खाने पीने की चीज़ें हैं, रेंट वेंट भी है, उसका भी प्राइस आपको ठीक लगने लगेगा जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर कमाना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरा दिमाग ख़राब हो गया था सच में, क्योंकि मैं देख रहा था जो बिस्कुट वहाँ 5 रुपये का मिल रहा है वो यहाँ 60 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, मतलब तो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है प्राइस में। और मैं चेंज करके तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि भाई कितना है यहाँ के हिसाब से कितना है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर जल्दी जल्दी अपनी जॉब लगी, जब जॉब लगी कमाना शुरू करा, मैं कहा चलो ठीक है, पैसे भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करना फिर अब छोड़ दिया तो काफ़ी आराम रहता है, ठीक है। तो वही वाली बात है, जब आओगे मैनेज हो जाएगा सब कुछ, कोई इशू वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और बता सकते हो आप मेरे को कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।